हेलो बच्चों, मैं आपकी दोस्त साशा। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी सुनाने वाली हूँ, तो चलो फिर शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, एक बड़े से जंगल में एक गुस्से में भरा हुआ शेर रहता था। वो जंगल का बादशाह था, लेकिन एक दिन एक चोर आया जो जंगल में दाखिल हुआ और वो जानवरों को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता था। उस शेर ने चोर को पकड़ लिया और इससे बात की कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि तुम हमारे जंगल में आकर हमारे जानवरों को बर्बाद करो। चोर ने खौफ के मारे अपनी गलती को कबूल किया और वादा किया कि वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा। शेर ने चोर को समझाया कि इंसान की भी तरफ देखकर खर्म करो और जंगल के तमाम हैवानों के लिए एक सलामती का मकान हो। ऐसा करने से जंगल की सुलह बन सकती है और हर कोई सुकून से रह सकता है। चोर ने इस दर्स को सीख लिया और अपनी गली में वापस चला गया। उसके बाद जंगल के हैवानात और शेर ने एक दूसरे के साथ अमन और अच्छी दोस्ती की राह में कदम रखा। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें दूसरों के साथ एहतराम और सुलह से रहना चाहिए। अगर हम एक दूसरे की मदद करते हैं और एहतराम से पेश आते हैं तो दुनिया में खुशियाँ और अमन की फिज़ा पैदा होती है। उम्मीद है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को ये प्यारा सा वीडियो पसंद आए होगा। अगर हाँ तो इसे थम्स अप दें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।